नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून की इस खबर के साथ कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनकी फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। देश हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। 5 सितंबर का दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने इसी दिन को शिक्षकों को समर्पित करने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं रोहतक हरियाणा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पोपट भाई ने 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं और जिसमें वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से होते हुए हरिद्वार पहुंचे हैं। कर्णी भवन से आप कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा पर निकले पोपट भाई को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर पोपट भाई ने बताया कि वो जनता के बीच जाकर दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए कामों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं हरियाणा के 3-4 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मैं पटियाला पहुंचा था पंजाब में, और पंजाब में अपना पटियाला से लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, डेरा बाबा नानक जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहाँ से गुरदासपुर होते हुए मैं पठानकोट पहुँचा था। उसके बाद मैं जम्मू कटरा वैष्णो देवी गया था, वापस मैं पठानकोट आया, फिर होशियारपुर होते हुए, रूपड़ होते हुए मैं चंडीगढ़ पहुंच गया था। तो चंडीगढ़ से अपने हरियाणा में यमुनानगर होते हुए, सहारनपुर होते हुए मैं अभी रुड़की और हरिद्वार पहुंच चुका हूं। क्या उद्देश्य है पति? हमारे आम आदमी पार्टी के सभी वर्कर मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की नेक नहीं किया उन्हें प्रचार करने के लिए। दिल्ली में सरकार बनी, हमने काम देखे, जो धरातल पर उन्होंने काम किया, सभी आम आदमी परिवार को जो जरूरत थी वो पूरी की, तो उसी काम को लेकर कि ये हर जगह राज्य में होनी चाहिए और हर जगह आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस बीजेपी को देख कर कहने के थक चुके हैं, उन पर ही रहा है। तो मेन उद्देश्य यही है, पार्टी का प्रचार हो, पार्टी की सरकार बने, और कहीं ना कहीं आजकल जो हमारी नज़रों में या जनता जो अरविंद केजरीवाल को पीएम के चेहरे के रूप में देखने लगी है, हम उसमें सफलता पाए प्रचार करके। आम आदमी पार्टी जो हमारी एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो पैदा हुई है पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और उसी की ये जुनून है पोपट भाई का। उन्होंने पूरी पदयात्रा करी है और जिस तरह से मेरी इनसे बातचीत हुई है, रात मेरी इनसे बातचीत हुई थी तो इन्होंने बताया कि लोग रोक रोक के पूछ रहे हैं, लोगों के मन में उत्साह है कि जिन लोगों को नहीं पता कि हाँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी, वो लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई की यहाँ उत्तराखंड में जो पदयात्रा शुरू हो गई है तो यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी, भाई ने बताया था कि बीजेपी वाले भी रोक रोक के पूछ रहे थे, लेकिन जब वो इनसे तर्क वितर्क पे आते हैं तो उनको चुप होना पड़ता है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है, और ये भाई के मुख से भी मुझे पता चला कि रास्ते में लोगों का बहुत रुझान है। वहीं चमोली के पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव में पटवारी गिरसा राजेश गोरखा की मौजूदगी में वन पंचायत के सरपंच और सरपंच कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया गया। सरपंच पद पर हरीश नेगी को निर्विरोध चुना गया, वहीं वन पंचायत कार्यकारिणी में उप सरपंच सरिता देवी को चुना गया है, और कार्यकारिणी सदस्यों में मदन लाल, मुन्नी देवी, सुनीता देवी, संतोषी देवी, लखपत सिंह रावत और विनोद पुरोहित को भी निर्विरोध सदस्य चुना गया। पटवारी गिरसा राजेश गोरखा और ग्रामीणों ने बताया कि गांव के प्रधान को सूचना दी गई थी लेकिन वो सरपंच चुनाव में नहीं पहुंच पाए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक देश और समाज के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने शुभकामना संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महान शिक्षाविद, दार्शनिक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को मैंने यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। और चूंकि हम जानते हैं, हम लोगों ने कहा है, कभी सुना है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं का सम्मान करके आज हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, ये सब गुरुओं की कृपा है, और गुरु दो शब्दों से बना है।
पहुंचे पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक ने कहा है कि उपला टकनौर के युवा बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के साथ सम्मिलित हुए हैं। वहीं विजयपाल सजवाण का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने झूठे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई पैकेज नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में युवाओं ने संकल्प लिया है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो उत्तरकाशी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि युवा बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और 2022 में डबल इंजन उन्होंने बताया है बीजेपी सरकार को। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। तो उत्तरकाशी के उपला टकनौर क्षेत्र में पहुंचे थे पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, जिन्होंने कहा है कि अब युवा जो हैं वो बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने झूठे वादे किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई भी पैकेज नहीं दिया गया, जिससे ये लोग नाराज हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व विधायक पहुंचे और उन्होंने कहा है कि युवा अब बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। नानक मतलब विधानसभा के समस्त विधानसभा वासियों को और इस क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये नानक मतलब पर्यटन हमारा पर्यटन की दृष्टि से इसको जोड़ना था और कई दिनों से, जैसे जब से मैंने इस नानक मतलब विधानसभा की बागडोर संभाली, तब से लगातार इसमें हमने वाटर स्पोर्ट्स के काम के लिए लगातार प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से और ये प्रशासन के सहयोग से आज हम लोग इसका एक ट्रायल शुभारंभ किया है और निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट पर्यटन की ओर से बहुत विकसित होगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि हमारा जितना भी जो उत्तराखंड प्रदेश है देवभूमि है और देवभूमि होने के नाते वही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। प्रदेश में रैलियों का दौर शुरू हो गया है और संगठनात्मक तौर पर राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा और परिवर्तन रैली के जरिए जनता के सामने खुद को बेहतर साबित करने में जुट गई है। राजनीतिक दलों की ओर से केंद्रीय नेताओं को भी उत्तराखंड बुलाने की मुहिम तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस बार चुनाव में 60 से ज्यादा सीटों को जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी नवंबर महीने से केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड आना शुरू हो जाएगा। तो 2022 में चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं को उतारेगी कि नहीं उतारेगी, चुनाव में निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेहरे आएंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा, प्रदेश नेतृत्व भी आएगा और हमारे ये कार्यक्रम नवंबर माह के बाद चलेंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, आपको बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वहाँ खलबली है और ज़बरदस्त खलबली है। एक तो युवा मुख्यमंत्री की बात करें, वो युवा मुख्यमंत्री को उनका नेतृत्व पचा नहीं पा रहा है, इसलिए नड्डा जी को बार बार आना पड़ रहा है कि लोगों को शांत करने के लिए। रुड़की में गणेश पुल के चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना के वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मामला अनावरण के शिलापट को लेकर गरमाया था, जब रुड़की मेयर गौरव गोयल के बदले झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का नाम लिखा गया, जिसके बाद आनन फानन में विधायक का नाम हटाकर मेयर का नाम लिख दिया गया, जिसके बाद झबरेड़ा विधायक प्रतिनिधि इस बात पर भड़क गए और गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद के सामने ही जमकर हंगामा काटा। तो मूर्ति स्थापना को लेकर आपस में ही भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। ये तस्वीरें रुड़की से हैं, जहां पर मूर्ति की स्थापना होनी थी, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि रुड़की से ये खबर आ रही है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना होनी थी और स्थापना के वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में ही झड़प हो गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को पूरी तरह से शांत कराया। अनावरण की शिलापट को लेकर ये पूरा मामला गरमाया था, जहां पर नाम आपको बता दें कि मेयर गौरव गोयल के बदले झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का लिखा गया था, जिसके बाद ये पूरी जो झड़प है वो हुई है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करा दिया है।
प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी सरकार की तरफ से मुक्त विश्वविद्यालय में बगैर विज्ञप्ति के ही गुपचुप तरीके से अपने चहेतों को नियुक्ति दिए जाने को लेकर आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जिला मुख्यालय गोपेश्वर के मुख्य तिराहे पर पुतला दहन किया है। इस मौके पर बद्रीनाथ विधानसभा संगठन मंत्री कुलदीप सिंह नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपड़वार समेत तमाम लोग मौजूद रहे हैं। तो चहेतों को नियुक्ति दिए जाने से नाराज दिखे और यहां पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन कर ये चमोली में प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि नियुक्ति देने जाने से नाराज थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो चहेतों को नियुक्ति दिए जाने का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया है। तो चमोली से तस्वीरें हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया है। चमोली जिले के मुख्यालय आज गोपेश्वर में धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका गया है। विरोध प्रदर्शन आम आदमी ने आज जो ये फर्जी नियुक्तियां इन्होंने अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो अपने रिश्तेदारों को इन्होंने अपनी नियुक्तियां जिन्होंने की है उसके विरोध, उपनल के थ्रू जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज धन सिंह रावत का पुतला फूंका और इस प्रकार की जो बीजेपी सरकार में जो इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं तो इसका आम आदमी पूरी तरह से विरोध करती है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार से जल्द चार धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उपाध्याय ने कहा कि अगर यात्रा शुरू नहीं की गई तो वो आने वाली एकादशी को खुद बद्रीनाथ जाकर भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में यात्रा आरंभ करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उपाध्याय ने कहा कि चार धाम यात्रा से अपना परिवार चलाने वाले कई संगठनों ने उनसे मुलाकात की है और अपनी कठिनाइयों के बारे में उनसे चर्चा की है। उपाध्याय ने कहा कि जब स्कूल खुल गए हैं, पर्यटक स्थल खुल गए हैं तो चार धाम यात्रा से सरकार को क्या परहेज है। तो किशोर उपाध्याय ने सरकार पर आरोप लगाया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, तमाम चीज़ें खुल रही हैं तो चार धाम यात्रा खोले जाने से सरकार परहेज क्यों कर रही है। तो इसके साथ ही किशोर उपाध्याय ने कहा है कि अगर जल्द ही नहीं खोले गए तो वो खुद बद्रीनाथ जाकर भगवान श्री बद्री के चरणों में प्रार्थना करेंगी कि जल्द ही चार धाम यात्रा को शुरू कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि चार धाम यात्रा ना होने से वहाँ के जो लोग हैं जिनकी रोज़मर्रा की चीज़ें इन्हीं चीज़ों से होती है, जो व्यापार करते हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हीं लोगों ने किशोर उपाध्याय से मुलाकात कर उनसे कहा था कि चार धाम यात्रा को शुरू कराए जाने की कोशिश की जाए। तो ऐसे में अब किशोर उपाध्याय ने कहा है कि चार धाम यात्रा को शुरू किया जाए क्योंकि जब स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेज खुल चुके हैं, पर्यटक स्थल भी खुल चुके हैं तो ऐसे में चार धाम यात्रा को शुरू कराने में देरी क्यों की जा रही है। हमारी सरकार आएगी तो भंगी नहीं करेगी, हम उस कानून को रद्द करेंगे जो उन्होंने अधिनियम बनाया है, जो भी बनाया है हम उसको रद्द करेंगे और ये यहाँ के लोगों के ऊपर कुठाराघात है जो पुस्तैनी हक हकूक है। मैं तो बनाधिकार आंदोलन की लड़ाई की लड़ रहा हूँ और ओबीसी की लड़ रहा हूँ। ओबीसी अगर उस समय हमारे लोग जागरूक होते तो पूरा उत्तराखंड ओबीसी आरक्षण में होता, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए जो है निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी तो मुझे उसको सपोर्ट करने में कोई वो परहेज और गुरेज नहीं है, लेकिन अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए एकादशी से पहले तो मैं एकादशी के दिन जाकर के उन सारे जितने भी इनके इन्होंने इस पर रोक टोक जो लगा रखी है उसको तोड़ने का काम करूँगा। हरिद्वार के हितमपुर गांव में रौ नदी पर बने जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा कि इस पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए लेकिन सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल भी करेंगे।
तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर जर्जर पुल को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पुल को अगर ठीक नहीं कराया गया और इसकी सुध नहीं ली गई तो वो हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जर्जर पुल को लेकर प्रदर्शन किया है और साथ ही कहा है कि सरकार जल्द ही इसकी सुध ले, इस पुल को ठीक कराया जाए, इस पुल की मरम्मत कराई जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो इसको लेकर भूख हड़ताल करेंगे। चमोली में विकास खंड नारायण बगड़ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया जिसमें शासन और युवा कल्याण विभाग की ओर से युवक युवतियों के लिए 4 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें 77 युवाओं और 35 बालिकाओं ने दौड़ में अपना दमखम दिखाया। तहसील मुख्यालय पंती में आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम मैराथन दौड़ में ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। तो चमोली में यह आयोजन कराया गया जहां पर मैराथन दौड़ का कार्यक्रम रखा गया था। फिट इंडिया फ्रीडम नाम से इस रन रैली का आयोजन किया गया था जहां पर युवाओं में जोश देखने को मिला। इसके साथ ही ये मैराथन कार्यक्रम किया गया जहां पर युवक और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें दमखम भी दिखाया। आपको बता दें कि फिट इंडिया फ्रीडम मैराथन दौड़ में ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और पुलिस उप निरीक्षक समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद दिखे। बद्रीनाथ धाम में 20 दिन से चार धाम यात्रा सुचारू करने के लिए बद्रीश संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्रमिक अनशन कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 5 दिनों से धर्मराज भारती ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने साकेत तिराहे पर चार धाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। तो चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है, अनोखा प्रदर्शन इसको कहेंगे, जहां पर बद्रीनाथ में कृष्णकांत कोठियाल ने मुंडन करवाया है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को शुरू किए जाने की लगातार मांग की जा रही है और ऐसे में इसी के विरोध स्वरूप कृष्णकांत कोठियाल ने आज मुंडन करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को भी भंग किया जाए। तो चमोली से तस्वीरें हैं जहां पर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करने की मांग तेज हो गई है और अब ऐसे में बद्रीनाथ में कृष्णकांत कोठियाल ने आपको बता दें कि मुंडन कराया है। वो बद्री समिति संघर्ष समिति के सदस्य हैं तो ऐसे में चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए ये मुंडन कराया गया है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि मुंडन क्यों कराया है। जब कोई अपशकुन होता है, हमारे हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के अनुसार जब कोई अपशकुन होता है तो हमारे हिंदू धर्म में यह है कि सबसे पहले उस मृतक आत्मा घर में कोई दिवंगत हो जाता है तो उसके लिए बाल दिए जाते हैं और ये बालों से उसको एक तरह से उसका वो किया जाता है, संस्कार किया जाता है। ये बाल, ये मुंडन भाजपा सरकार की हठधर्मिता, भाजपा सरकार की तानाशाही, भाजपा सरकार की गुंडागिर्दी, भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को खामखा मतलब बना दिया, यहाँ चारधाम यात्रा बंद कर दी, उसके उपलक्ष्य में ये मुंडन कार्यक्रम रखा गया। और आपको मालूम होगा पिछली बार जब मैं बद्रीनाथ आया था यहाँ बिल्कुल वीरान सुनसान था और तब आप लोग ही थे और मैं ही था, तो मैंने कहा था अभी ये पंचक चल रहे हैं, अभी एक मुख्यमंत्री जाएगा तुरंत, उसके बाद में पंचक का मतलब होता है 5 का जाना। नैनीताल के भीमताल में युवा कल्याण, शिक्षा, खेल, पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे की तरफ से युवक युवतियों मंगल दलों के शुद्धिकरण योजना के तहत राज्य सरकार की कई योजनाओं के प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन के उद्देश्य से पदाधिकारियों और अन्य जागरूक स्वयंसेवकों से हम सबका प्रयास शिक्षा का विकास के तहत वर्चुअल संवाद किया गया। वर्चुअल संवाद में उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने और राज्य सरकार की तरफ से किए जाने वाली पहल का लाभ जन जन तक पहुंचाने में मंगल दलों की अहम भूमिका है। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में स्थित गणपति बैंकट हॉल के पास बने S2 सुपरमार्ट में आग लग गई।
मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। स्थानीय लोगों ने जब मार्ट से धुआं निकलता हुआ देखा तो सुपरमार्ट के मालिक चंद्रशेखर आजाद को स्थानीय लोगों की तरफ से सूचना दी गई कि उनके मार्ट में आग लगी हुई है। वहीं मौके पर बहादुराबाद थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आग लगने से 20 से 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते S2 मार्ट में आग लग गई और आग लगने के कारण बताया जा रहा है कि 20 से 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने इसकी पूरी सूचना जो है स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई थी मालिक को और फिर वो वहां पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी वहां पहुंचे और उन्होंने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। लेकिन तब तक 20 से 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में यात्रियों की एक कार नहर में गिर गई, जिसमें ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और अन्य यात्री घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री हरिराणा से हरिद्वार आए थे। प्रेमनगर आश्रम चौक नेशनल हाईवे के पास कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो हरिद्वार का ये सीधा विजुअल आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार नहर में गिर गई, जिसके बाद एक की मौत हो गई है और अन्य जो है वो घायल बताया जा रहा है। तो हरिद्वार में नहर में गिरी है यात्रियों से भरी ये फोर व्हीलर, जो नहर में गिर गई, जिसके चलते एक की मौत हो गई है और अन्य घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक फोर व्हीलर नहर में जा गिरी और जिसके चलते एक की मौत हो गई। आपको बता दें कि फोर व्हीलर में यात्री सवार थे। तो हरिद्वार नहर का ये पूरा मामला, जहां पर यात्रियों से भरी एक कार नहर में जा गिरी, जिसके चलते एक की मौत हो गई है और अन्य घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि ने कुछ साल पहले लोगों को नेत्रदान कराने के लिए उनके प्रति जागरूक करना शुरू किया था। पहले तो लोगों ने लॉयंस क्लब की इस पहल को बेतुका बताया, फिर धीरे धीरे जब ये जागरूकता परवान चढ़ी तो लोगों को इसका महत्व समझ आया। अब लॉयंस क्लब के साथ साथ पुलिस महकमा और प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं। यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टर भी लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में आज एम्स के डॉक्टरों और लॉयंस क्लब के सदस्यों ने मिलकर शहर में एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रविकांत ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली निकालने का उद्देश्य केवल यही है कि लोग शरीर त्यागने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान करें। अगस्त से एक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसे हम जो है लोगों को नेत्रदान पे के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसी कड़ी में हमारी साइकिल रैली भी निकाली जा रही है, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ये किसके साथ हो रहा है मिलके? हैं? किसके साथ मिलके हो रहा है? नेता एम्स के द्वारा। उधम सिंह नगर में भारत विकास परिषद सितारगंज की तरफ से सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक दिवस पर विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले मां सरस्वती और भारत माता की फोटो के पास दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भविप के प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेश कंसल ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ हैं, हमारे जीवन में अच्छे और बुरे की पहचान शिक्षक ही दिलाता है। प्रांतीय प्रकल्प संयोजक महेश मित्तल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह खुद जलकर हमें प्रकाश देता है। समाज सेवी दयाराम जिंदल ने इस मौके पर भाविप के पदाधिकारियों और सदस्यों को सम्मानित भी किया। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमने सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य बंधुओं को सम्मानित किया है इस मौके पर, क्योंकि शिक्षक जो है समाज की रीढ़ है। शिक्षक ही हमें समाज में जीने की कला सिखाता है। समाज में हमारा अस्तित्व है वो बिना शिक्षक के अधूरा है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे गुरुओं ने जो हमें प्रेरणा दी, हमें शिक्षा दी, उन्हीं प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए
उन्हीं के आशीर्वाद से हम जो है समाज में आज जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं का आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग में बधानी छेनागाड़ मोटरमार्ग निर्माण और बरसिर बधानी मोटरमार्ग को हॉट मिक्स करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल पिछले चार दिन से भूख हड़ताल पर डटे हैं। बांगर के इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा अपने बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे चिरंजीव सेमवाल ने कहा कि जब तक वन भूमि की स्वीकृति नहीं मिल जाती है वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बनी रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।